टेम्परेचर में करवट ले रही थी, 44 डिग्री 40 डिग्री के आसपास में गर्मी रहता था। आज कल रात को 12 बजे आज के डेट में अल्लाह की तरफ से रहमत आया और रहमत ऐसी अल्लाह ने रहमत नाजिल किया क्योंकि आज पूरे दिन ठंड है और हम लोगों को बहुत राहत मिली है इससे। जैसे किसानों को फसल को लेकर के जैसे पटवा हो गया, रोपा जो बेन बनता है, बेन हो गया, ये जल रहे थे, इसको मतलब अल्लाह ने रहमत बरसा करके किसानों को भी बहुत राहत पहुंचाई है। मतलब ऊपर वाला अगर चाहे तो सबको खुश कर सकता है। सदान जी, सबसे बड़ा फैक्ट बात ये था कि जो अभी अभी आगे खेती का सीजन है, जो बेहन वगैरह बोया जाता है, तो इस चीज के लिए पानी का बहुत जरूरत था, बहुत दिक्कत था लोगों। और क्योंकि कल बारिश जो हुआ तो माशाल्लाह उससे बहुत फायदा हुआ। अल्लाह ताला फायदा नफा घटा करने वाला तो अल्लाह ताला है। पार्ट सब तो मर गया था बिल्कुल, ऐसा हो रहा था कि पार्ट बिल्कुल नहीं होगा, अल्लाह करम है, बिल्कुल जल गया था। अल्लाह का शुक्र है, बस इतना ही कहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सभी दोस्तों को सलाम है। हमारा सब्सक्राइब करना चैनल। हाय दोस्तों, सलाम अलैकुम, मैं मोहम्मद जरा आलम, जैसा कि आप जानते होंगे। और दोस्तों एक विशेष चीज लेके आया हूँ मैं, विशेष ये है कि बिहार में मौसम ने ली करवट। दोस्तों मैं बता देना चाहूँ, कल इतना गर्मी था, परसों इतना गर्मी था, सबसे ज्यादा गर्मी था, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जो था 41 डिग्री था कम से कम। तो दोस्तों मुझे आश्चर्य लगा और अल्लाह ताला ने ऐसे ही रात में हवा चलाया हल्का और उसके बाद रात में 12 बजे बाद बारिश कर दी अल्लाह ताला ने, इन्हें सुकून अता कर दी। देखिए अब मालिक चाहेगा कुछ भी कर सकता है, मालिक के पास तो हर एक चीज़ है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोग 5 मिनट के लिए हवा रोक देता है तो हम लोग की सांस बंद हो सकता है, बट हम लोग अल्लाह का शुक्र नहीं करते हैं। और आज का देखिए, हम लोग आपको बता दूँ कि दिल मोहम्मद मामा हाटगाँव से आए और भी अन्य लोग हैं, सद्दाम भाई हमारे। देखिए यहाँ बैठने का मकसद है, हम लोग जनाजा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। कुछ देरों में कब्र तैयार हो गया, जनाजा की नमाज अता की जाएगी लोधावारी में। जैसा कि और एक चीज, एक घर में गम है और एक घर में खुशी है, तो दोस्तों ये काफी यानी कि संगीन मामला जगह होता है। तो मैं इसी प्रकार से हम लोग यहाँ आए और आश्चर्य वाली बात है, तो एक घर में खुशी है, एक घर में गम है, तो ये कहीं ना कहीं दुखजनक बात है। और अल्लाह तआला से दुआ भी करना चाहिए, इस चीज के लिए डरना चाहिए तो अल्लाह तआला से, अल्लाह तआला की तरफ से। तो मामा कुछ बोल दीजिए मौसम के विषय में। जी जी जी, देखिए खैर लोग बहुत गर्मी से परेशान थे, खैर अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र हुआ कि रात से मौसम में करवट बदली है और बहुत राहत का वो है। और इंशाल्लाह खैर मौसम करवट बदल ही देंगे और बारिश होगी इंशाल्लाह तआला। जी देखिए, जिस तरह से आज लगभग 10 दिनों से जिस प्रकार टेम्परेचर में करवट ले रही थी, 44 डिग्री 40 डिग्री के आसपास में गर्मी रहता था, आज कल रात को 12 बजे आज के डेट में अल्लाह की तरफ से रहमत आया और रहमत ऐसी अल्लाह ने रहमत नाजिल किया क्योंकि आज पूरे दिन ठंड है और हम लोगों को बहुत राहत मिली है इससे। जैसे किसानों को फसल को लेकर के जैसे पटवा हो गया, रोपा जो बेन हो गया, ये जल रहे थे, इसको मतलब अल्लाह ने रहमत बरसा करके किसानों को भी बहुत राहत पहुंचाई है। मतलब ऊपर वाला अगर चाहे तो सबको खुश कर सकता है। सदान जी, सबसे बड़ा फैक्ट बात ये था कि जो अभी अभी आगे खेती का सीजन है, जो बेहन वगैरह बोया जाता है, तो इस चीज के लिए पानी का बहुत जरूरत था, बहुत दिक्कत था लोगों। और क्योंकि कल बारिश जो हुआ तो माशाल्लाह उससे बहुत फायदा हुआ, अल्लाह ताला फायदा नफा घटा करने वाला तो अल्लाह ताला है। पार्ट सब तो मर गया था बिल्कुल, ऐसा हो रहा था कि पार्ट बिल्कुल नहीं होगा, अल्लाह करम है, बिल्कुल जल गया था। अल्लाह का शुक्र है, बस इतना ही कहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सभी दोस्तों को सलाम है। हमारा सब्सक्राइब करना चैनल।